गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। सो आज हमारे पास है Asus की तरफ से आने वाला Asus VivoBook S14। तो आज करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं हमें क्या मिलता है बॉक्स के अंदर और उसके बाद में लैपटॉप कैसे परफॉर्म करता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ इस तरह का हमें बॉक्स मिलता है, यहाँ पर सामने से लिखा हुआ Asus VivoBook और यहाँ पर साइड से हमें इसका मॉडल नंबर दिखा हुआ है जो कि S430F और यहाँ पर कुछ इसका सीरियल नंबर वगैरह दिया हुआ है। बाकी अगर हम पीछे से की साइड से देखें तो यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है और यहाँ पर एक मेन चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर प्राइस जो दी हुई है वो है 79,000 और इसे हमने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था जो कि था 49,999 रुपीज़। आपको इसका बेस्ट बाय लिंक आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी अगर आप स्पेसिफिकेशन देखें तो इसमें आपको सामने की साइड से 14 इंच का फुल एच डी डिस्प्ले मिलता है एकदम नैनो एच के साथ, तो वो तो हम खोल के बाद में देखेगी। इसमें आपको इंटेल का i5 8th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, साथ में 8GB की रैम, 1TB की हार्ड ड्राइव और 256GB की इसमें हमें SSD मिलती है और SSD पर यहाँ पर आप देखिए SATA 3 की आपको इसमें SSD मिलती है और इसके साथ इसमें आपको विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम तो मिलता ही है और जो इसकी रैम है वो 4+4GB दी हुई है, मतलब आपको 8GB की एक सिंगल रैम नहीं मिलती। ऑन बोर्ड जो आपको एक 4GB की और एक एक्सटेंडेड 4GB इसमें लगाए हुए। वाईफाई अगर आप देखें तो आपको इसमें Wi-Fi 5 मिलता है, अगर इसमें i5 का 10th जनरेशन होता तो उसमें आपको Wi-Fi 6 मिलता और ऑब्वियसली उतना ज़्यादा आपको इसमें फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। जो विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अगर आप देखें तो 64-bit का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर तो हमारा कुछ भी काम की चीज़ नहीं है। अगर हम अंदर देखें तो मेन मसाला तो इसके अंदर ही होने वाला है। तो इसने इसका बॉक्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर लिया, मतलब इसकी साइज़ भी छोटी है, 14 इंच का ही है। तो उसे अगर हम करते हैं ओपन तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स जो कि Asus की टैगलाइन है और हमारे लैपटॉप को निकालते हैं और एक मिनट रखते हैं साइड में और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो हमें यहाँ पर मिलता है एक यूज़र मैनुअल, इसे रखते हैं साइड में, इसका तो कुछ काम नहीं, और कुछ कार्डबोर्ड की पैकिंग, इसके अंदर यहाँ पर आता है चार्जर, इसे मैंने पहले ही अनबॉक्स कर लिया था, बाद में जो हमारी अनबॉक्सिंग की पर्दा है उसे कंप्लीट करने के लिए इसे वापस रीबॉक्स किया था। और इसके अंदर आपको ये मिलता है चार्जर, चार्जर की यहाँ पर अगर रेटिंग देखें तो 19 वोल्ट्स और 2.37 एम्पियर का चार्जर मिलता है और कंपनी क्लेम करती है कि एक फास्ट चार्जर है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि कितना फास्ट ये लैपटॉप को चार्ज करता है। तो जल्दी से रखते हैं ये सब कुछ साइड में और देखते हैं हमारा मेन लैपटॉप। तो ओपन करती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है इस लैपटॉप की। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बहुत ही ज़्यादा एकदम स्लिम डिज़ाइन देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर सामने की साइड से आपको Asus का लोगो मिलता है जो कि आता है मेटल में और कुछ इस तरह की इसकी फिनिशिंग मिलती है। आपको यहाँ पर अगर मैं डिज़ाइन दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से लैपटॉप की ऊपर से डिज़ाइन आती है, साइड से अगर आप देखें तो एकदम येल्लो कलर की इसमें आपको साइड में डिज़ाइन देखने के लिए मिलती है चारों साइड से। और अगर हम इसे कर लेते ओपन तो ओपन करने के लिए जो आपको फीडबैक होता है जो एक हाथ से आप ओपन करते हो तो वो तो इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलता। पर अगर हम सामने की साइड से देखें तो हमें 14 इंच का एक डिस्प्ले मिलता है, एक आईपीएस डिस्प्ले नहीं फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर हम इसके साइड के बेजल्स देखें तो वो कुछ येलो कलर में आते हैं, जो हमको साइड में येलो कलर मिलता है वही आपको यहाँ पर ऊपर के साइड में मिलता है। और इसके अगर हम बेजल्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम थिन है जो डिस्प्ले को एकदम क्लासिक लुक देती है। और यहाँ पर अगर आप नीचे के साइड से देखें तो यहाँ पर Asus का ब्रांडिंग दिया हुआ है, यहाँ पर Asus ने बल्कि Asus VivoBook का आपको ब्रांडिंग दिया हुआ है। और ये जो ये वाला पार्ट अगर आप देखते हैं ये एक एयर वेंट से मतलब जो आपकी लैपटॉप की हीट होती है वो बाहर निकालने के लिए इन्होंने यहाँ दिया है, मतलब अगर जब भी हम लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं और उसे अगर बेड पर रखते हैं तो क्या होता है जो नीचे से वेंट होती है ना उसकी वजह से वो अच्छे तरह से कूल नहीं होता, तो इसको वेंट्स जो है ऊपर से दिए हुए जिसकी मदद से होगा ये कि अगर आप कहीं पर भी लैपटॉप को रख के आप इसे यूज़ करते हो तो उसको एकदम हीट का कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं। कीबोर्ड हम देखें तो इसका परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम एक अच्छा फीडबैक देखने के लिए मिलता है जब भी हम इसे क्लिक करते हैं। और इसके टचपैड की अगर आप साइज़ देखें तो एकदम काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जैसे कि मैकबुक वगैरह में आती है, बहुत बड़ी डिज़ाइन है। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है जो कि आजकल सभी लैपटॉप्स में आता है। यहाँ पर आप देखें तो इसमें आपको i5 का 8th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, थोड़ा बहुत पुराना है पर आपका काम इसमें आराम से हो जाएगा, उतना ज़्यादा आपको इसमें डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखें तो इसके कुछ USPs दिए हुए, थिन एंड लाइट डिज़ाइन है तो सच में यार काफ़ी ज़्यादा लाइट है। इसमें आपको अर्गो लिफ्ट हिंजेस मिलती है, अगर आप साइड में हिंजेस देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिए हुए, जब आप लैपटॉप ओपन करते हो तो यहाँ से थोड़ा बहुत लैपटॉप लिफ्ट हो जाता है जिसकी मदद से आपको थोड़ा इंक्लाइन सरफेस मिलता है जब भी आप टाइपिंग वगैरह करते हैं, मतलब आपका जो एकदम एक्सपीरियंस है लैपटॉप यूज़ करने का वो यहाँ पर एकदम सिंपलिस्टिक कर दिया है। और जब भी हम इसे कर देते हैं बंद
तो ये हिंजेस कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाती है। तो इसका डिजाइन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा ये वाला। तो मतलब बाकी लैपटॉप्स में भी आता है ये, पर ये फीचर आपके लैपटॉप में, अगर एक स्लिम लैपटॉप है आपका, तो ये फीचर आपके लैपटॉप में होना ही चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर लिखा हुआ कि नैनो एज डिस्प्ले, तो काफी ज्यादा एजेस इसकी छोटी है, एकदम बेजललेस दिखता है। मतलब इस लैपटॉप की साइज छोटी है, यहाँ से नमपैड निकल लिया है इसलिए लैपटॉप की साइज थोड़ी छोटी हो जाती है। इसके बावजूद भी आपको ये डिस्प्ले वो एकदम बड़ा देखने के लिए मिलता है। जल्दी से इस लैपटॉप में कर लेता हूँ बूट और बाद में सेटअप करके बता दूं मेरा एक्सपीरियंस इस लैपटॉप के साथ कैसा होने वाला है। इस लैपटॉप को मैंने कंप्लीटली सेटअप कर लिया और कुछ इस तरह से आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं। एकदम देखने में तो काफी ज्यादा कमाल लग रहा है और जो इसका येलो लाइन से जो इसकी साइड की डिजाइन जो बेजल्स में आती है वो भी देखने के लिए काफी ज्यादा कमाल लगती है। और इसका कुछ इस तरह से आपको डिफॉल्टी वॉलपेपर मिलता है Asus VivoBook का और ये आइकॉन्स वगैरह जो होता है डिस्क पार्टीशन वो आपको बाद में सेट करना पड़ेगा। सो गाइस अनबॉक्सिंग तो हो गई पूरी। एक्चुअल में ये लैपटॉप आपको लेना चाहिए नहीं, ये लैपटॉप वर्थ है कि नहीं? तो अगर आप एक लैपटॉप लेना चाहते हैं सिर्फ प्रोफेशनल यूज के लिए, मतलब आपका जो एमएस ऑफिस वगैरह होता है, जो आपका मूवीज एंटरटेनमेंट वगैरह होता है, या आपका जो प्रोफेशनल यूज है, तो ये लैपटॉप मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करना चाहूंगा। काफी ज्यादा इसका स्लिम डिजाइन है, अगर आप देखें तो देखने के लिए भी एकदम काफी ज्यादा कमाल का लगता है। इसके जो डिस्प्ले है वो आपको 14 इंच का ही मिलता है डिस्प्ले इसका, पर जो इसके साइड में बेजल्स है ना वो काफी ज्यादा थिन है। और इसमें आपको 256 GB की SSD भी मिलती है और इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज 10 का, इसमें 64 bit आपको लाइसेंस मिलता है और वो प्री इंस्टॉल SSD में किया हुआ है, जिसकी मदद से आपका जो बूट टाइम है ना वो एकदम 10 times फास्टर हो जाएगा। मतलब आप जब भी बटन दबाते हैं ना तो ऑलमोस्ट 15-20 seconds में आपका लैपटॉप शुरू हो जाता है। वही अगर आप हार्ड ड्राइव वाला लैपटॉप लेते विदाउट SSD तो 2-3 minutes तो आराम से लग जाते हैं विंडोज को बूट होने के लिए। और इसके साथ जो आपके प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, जो एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, और जो छोटे मोटे आपके एप्लीकेशन होते हैं जो आपके यूज में डेली यूज में आते हैं, वो अगर आप SSD में इंस्टॉल करते हैं तो आपको एकदम जो जब भी वो ओपन करते हो तो एकदम फास्ट ओपन होने वाले हैं। इसी के साथ इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, मतलब रात में वगैरह आपको इसमें टाइपिंग वगैरह करना है तो उसमें भी आपको एकदम आसानी जाने वाली है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको i5 का 8 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है। 8 जनरेशन मुझे पता है थोड़ा बहुत पुराना है, पर अगर आपका उतना ज्यादा यूज नहीं होता, मतलब आप नॉर्मली यूज करते हैं प्रोसेसर का, उतना आपको पावर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि 8 जनरेशन के साथ ही जाइए। मतलब थोड़े बहुत इसमें आपको चेंजेस मिलते हैं जैसे कि वाईफाई 6 वगैरह वगैरह। अगर आप गूगल पे देखिए 8 जनरेशन और 10 जनरेशन में क्या डिफरेंस है, तो उसमें आपको कुछ काम वगैरह अटक जाता है 8 जनरेशन और 10 जनरेशन में, तब आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर सोचने की जरूरत है। इसके साथ में आपको इसमें 8 GB की DDR4 RAM मिलती है जो कि आप एक्सपांड कर सकते हैं अप टू 12 GB। मतलब जो प्रोग्राम्स है वो SSD के कारण काफी ज्यादा फास्ट ओपन होते हैं, तो उतना ज्यादा आपको इसमें रैम एक्सटेंड करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इसकी जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा थिन है, मतलब 18 mm की इसकी डिजाइन है और इसका वेट सिर्फ 1.4 kg है। मतलब अगर आप बाकी लैपटॉप से इसे कंपेयर करते हैं तो काफी ज्यादा थिन होने वाला है। और इसे आप जब भी कैरी करते हैं तो आराम से हाथ में भी इसे कुछ इस तरह से कैरी कर सकते हैं, और आपको कहीं पर भी अगर खड़े होकर भी इसे यूज करना पड़ता है एकदम इमरजेंसी में, तब भी आप इसे आराम से यूज कर सकते हो। इस लैपटॉप में भी आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि आता है ट्रैक पैड के साइड में, तो आपको विद इन सेकंड्स आपका लैपटॉप आप फिंगरप्रिंट की मदद से अनलॉक कर सकते हो। चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है, कंपनी इसमें क्लेम करती है 19 watts का इसमें आपको चार्जर मिलता है जो कि 60% इस लैपटॉप को विद इन 49 minutes चार्ज करता है। और इसमें बैटरी भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है जो कि आपको आराम से 5-6 घंटा तो चली जाएगी। इसमें जो आपको कीबोर्ड है वो चिकलेट कीबोर्ड मिलता है और जो इसका जो फीडबैक है ना वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब टाइपिंग करते वक्त भी आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ इसका जो टच पैड है वो आपको एकदम स्मूथ टच पैड मिलता है जिसमें आपको जेस्चर मिलते हैं जैसे कि जो जूम इन जूम आउट वगैरह हो गया, स्क्रॉल हो गया, और जो आपके रिसेंट टैब्स वगैरह आप ओपन करते हो बाकी लैपटॉप्स की तरह, उसमें भी आपको जेस्चर वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। तो प्राइस की अगर बात करें तो इसे हमने फ्लिपकार्ट से बाय किया था 49,990 rupees में। आप इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो और जो भी लेटेस्ट प्राइस है वो वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको इस लैपटॉप के बारे में कुछ भी सवाल है तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर मैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा, यहाँ पर आप कभी भी मुझे DM करें और इस लैपटॉप के बारे में कुछ भी पूछे तो वहां पर आपको श्योर उसका आंसर मिलने वाला है। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे के बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग, एंड दिस इज योर फ्रेंड शिवम साइनिंग आउट।